अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं मस्तूरात की, ये रियाजुल जन्ना में जाने वाली औरतों की है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए सामने जो ये औरतें खड़ी हैं, ये सारी के सारी ग्रुप में हैं। कोई इंडोनेशिया से है, कोई मलेशिया से है, कोई चीन जापान से है। ये सारी के सारी ग्रुप में हैं और अभी जो रियाजुल जन्ना में औरतें नमाज़ पढ़ना चाह रही हैं, यहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं उन्होंने ये सिस्टम बना दिया है कि अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ही आप अंदर जा सकते हैं। अगर कोई अकेला दुकेला जाना चाहेगा, यानी औरत जाना चाहेगी, तो उसको नहीं भेज रहे हैं। अकेली दुकेली औरत को नहीं भेज रहे हैं, जो मस्तूरात हैं वो ही जा सकती हैं, और वो भी उनके पास में परमिट होना चाहिए। परमिट जिनके पास नहीं है उनके लिए एंट्री नहीं है। और ये महीना पूरे महीना परमिट है ही नहीं, पूरे महीने का परमिट है ही नहीं। हमने कई सारी औरतों का देखा, लेकिन औरत के लिए रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का परमिट है ही नहीं। फुल महीना बुक है। अलबत्ता जो इस तरह ग्रुप में आ रही हैं, 5, 10, 15, 20 के ग्रुप में जा रही हैं, तो उनको विदाउट परमिट भी भेजा जा रहा है। तो विदाउट परमिट अगर आप जाना चाहते हैं, जबकि इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह अपना कोई ग्रुप बना लें 5-7 औरतें मिल करके, और फिर उस ग्रुप के साथ में जाएँ। हमारे हिंदुस्तान वगैरह से जो औरतें जाती हैं उमूमन, वो सब अपनी मर्ज़ी की आज़ाद होती हैं, किसी की सुनती नहीं है, किसी ग्रुप में जुड़ती नहीं है। नतीजा ये होता है वो अकेला अकेला जाना चाहती हैं और उनको परमिशन नहीं मिलती है। जबकि ये देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये देखें सारी औरतें ग्रुप में 10-10, 15-15 का ग्रुप है, तो ये ग्रुप के साथ में जाने देते हैं। अभी मैं बहुत अच्छे से अंदर तक के देख के आया हूँ, तो जो ग्रुप वाइज हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त मिल रही है, बाकी और किसी को इजाज़त नहीं है। तो इसलिए आप ग्रुप बना लीजिए अपना। ये देखिए ये भी जो आ रही हैं, तो ये पूरा ग्रुप आ रहा है वहाँ से नमाज़ पढ़ करके, ठीक है। इसके पीछे भी आप देखेंगे दुनिया भर की जो देखेंगे ना ग्रुप वाइज, सिर्फ वही पढ़ करके आ रहे हैं, बाकी अकेले दुकेले को किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ग्रुप के साथ में जाएँ। आप जब भी जाएँ तो ही आपको रियाजुल जन्ना में पढ़ने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।